हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन आ गया भाई। एक्चुअली अनिर्बन सर थोड़ा बिजी है, वो कुछ काम में फंस गए, तो इसलिए ये क्लास आज का जो बेस्ट 200 प्लस करंट अफेयर्स फेब्रुअरी पार्ट 4 है, इसका मैं ले रहा हूँ। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर्स भी आपको थोड़ा सा क्लास लूँ। पता नहीं अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा होगा तो भी बताइएगा, बुरा होगा तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। और उसके पहले मैं बता दूं कि हमारा जो है आपका मॉक टेस्ट है एक्सीजेंस एडुकेटर का, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं और ऐप भी है हमारा एक्सीजेंस एडुकेटर, इसमें क्विज आता है फ्री मंथली क्विज जो कि आप दे सकते हैं, आपका रिविज़न अच्छा हो जाएगा। तो और ये हमारा टॉप रैंकर के साथ है मॉक टेस्ट का भी एक है टाई अप है, जिसमें कि आप अगर अनिर्बन कोड ये यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देर के हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ एडिशन ऑफ द परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम हैज़ बीन हेल्ड इन विच मंथ। तो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम जो कि कौन से मंथ में जो है इसको हुआ था, ये हुआ था आपका मार्च, ठीक है, परीक्षा पे चर्चा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जो है आपका ऑल इंडिया रेडियो का किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका वेणुधर रेड्डी, ठीक है, वेणुधर रेड्डी। तो चलिए और आपको बता दूं कि जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ चैनल है इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, चलिए न्यू दिल्ली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्ड अ पैक्ट विथ कंट्री टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इंडिया जो है कौन से कंट्री के साथ एक आपका इंक पैक साइन किया गया है, एक एक बोल सकते हैं एक डील साइन किया गया है जो कि हाइड्रोजन के ऊपर जो है एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या होता है, ये होता है आपका जो वहाँ उसमें जो है आपका रिसर्च होता है हाइड्रोजन के ऊपर जो है बहुत सारा का रिसर्च किया जाएगा, तो वो एक सेंटर बनाया जाएगा। ये कौन से कंट्री के साथ किया गया है, ये किया गया है आपका नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के साथ जो है ये पैक साइन किया गया है। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, मालदीव्स, मालदीव्स का जो है आपका जो कैपिटल है वो है आपका माले, ठीक है, मालदीव्स का कैपिटल माले। यूनाइटेड स्टेट का हो जाएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, अच्छा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैनबरा और नॉर्वे का हो जाएगा आपका ओस्लो, ठीक है। अच्छा मालदीव्स का करेंसी हो जाएगा मालदीपियन रुपिया, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड नॉर्वे का नॉर्वेजियन क्रोने, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, द बुक मैवरिक मसीहा इज़ ए बायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। तो कौन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बायोग्राफी जिसका नाम है आपका मैवरिक मसीहा, ठीक है, जिसको कि आपका जो है लॉन्च किया गया है, यह है आपका मध्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है उनके जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है जिनका नाम था एन टी रामाराव, ठीक है, एन टी रामाराव जो कि फेमस एक्टर थे साउथ के, तो उनके नाम पे जो उनके बायोग्राफी को लेके जो है आपका ये मैवरिक मसीहा जो है बुक लॉन्च किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लेड अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ डुबरी फुलवारी ब्रिज इन विच स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से स्टेट में जो है धुबरी फुलवारी ब्रिज जो है जिसका कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ये रखा गया है आपका ये रखा गया आपका असम, ठीक है, असम में जो है ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ कमला हैरिस टाइटल्ड एल कमलाज वे, कमलाज वे, ठीक है, कमला हैरिस के बायोग्राफी जो है वो लिखा गया है जिसका नाम रखा गया है कमलाज वे, उसको किसने लिखा था, उनको लिखा था आपका डैन मॉरियन, डैन मॉरियन जो है उन्होंने ये आपका जो बायोग्राफी है कमला हैरिस के ऊपर ये लिखा गया। कमला हैरिस कौन थे, ये जो है आपका डिप्टी प्रेसिडेंट थे आपके यूएस के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है,
who has testified the indigenously developed Helena and Dhruvastra missile system. तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने की Helena and Dhruvastra नाम का मिसाइल सिस्टम जो है वो टेस्ट फायर किया है, उन्होंने मतलब टेस्ट किया है. तो आंसर होगा आपका DRDO. ठीक है, DRDO. DRDO का चेयरमैन कौन होता है? जी सतीश रेड्डी. इसरो का कौन है? इसरो का है के सिवान. और नासा का है जिम ब्रिंडेस्टाइन. ठीक है, आसमी का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी उसके लिए. आप लोग गूगल सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. विच कंट्री हैज लॉन्च AI बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमार भाषा डेवलप्ड बाय इंडिया. तो कौन सा कंट्री है जो कि AI बेस्ड एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमार भाषा नाम का ऐप जो है डेवलप किया है, जो कि इंडिया के द्वारा जो है बनाया गया है. ठीक है, तो ये है हमारा आंसर हो जाएगा क्या, चलिए देख लेते हैं. ये है आपका बांग्लादेश. ठीक है, बांग्लादेश जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं अमार भाषा एक बंगाली वर्ड है, तो इसीलिए ये बांग्लादेश होना चाहिए. एज ए अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी आप इसको कर सकते हो. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2021 का थीम क्या रखा गया है? ये आपका रखा गया है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन द एजुकेशन सोसाइटी. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिलीवर्ड द 100th K9 वज्र होइजर ऑफ इंडियन आर्मी. ये एक जो है आपका टैंक है जो कि इंडियन आर्मी को सौंपा गया है. कौन से कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है? ये है आपका लर्सन एंड टुब्रो. लर्सन एंड टुब्रो के द्वारा ये बनाया गया है. लर्सन एंड टुब्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है. इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू वीज़ा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी विथ विच कंट्री. तो इंडिया ने एक आपका एग्रीमेंट साइन किया है वीज़ा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी के लिए. ठीक है, कौन से कंट्री के साथ ये किया गया है? ये किया गया है आपका इथियोपिया. इथियोपिया के साथ जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है. इथियोपिया का कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है आदिस अबाबा. ठीक है, आदिस अबाबा इनका कैपिटल है. मालदीव्स का क्या है? मालदीव्स का माले. ठीक है, मालदीव्स का माले. अच्छा, श्रीलंका का क्या है? श्रीलंका का जयवर्धने पूरे कोट्टे और कोलंबो. ठीक है, मॉरिशस का हो जाएगा पोर्ट लुइस. चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. द इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज रिसेंटली हेल्ड देयर पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स इन व्हिच रीजन. इंडिया एंड इंडोनेशिया के द्वारा जो उनका जो पैसेज एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है आपका पैसेक्स. ठीक है, ये कहाँ पे, कौन से समुद्र पे, कौन से ओशन में ये ऑर्गेनाइज किया गया था? ये किया गया था आपका अरबियन सी. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. हु हैज एज्यूम द चार्ज एज चार्ज ऑफ द चेयरमैन नेशनल चेयरमैन एज ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. तो शेड्यूल्ड कास्ट जो जिसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जिसको कि शॉर्ट में NCST कहते हैं, इनका जो चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका विजय सम्पला इसको नियुक्त किया गया है. चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. नेम द स्टेट दैट रिसीव द अवार्ड फॉर द फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिनको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आपका लागू करने के लिए जो है अवार्ड मिला है, सबसे तेजी से इन्होंने लागू किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आपको पता है योगी आदित्यनाथ. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA. तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन जिसको कि शॉर्ट में WTA कहा जाता है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर है सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा USA. ठीक है, इन तीन जगह पे जो है इनके है. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि शॉर्ट में FIEO कहते हैं. तो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में किसको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका ए शक्तिवेल को जो है एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है. रिसेंटली तमिलनाडु CM ई के पिलाना स्वामी इनॉग्रेटेड एशियाज़ बिगेस्ट कैटल पार्क एट व्हिच डिस्ट्रिक्ट.
तो जो तमिलनाडु के जो सीएम है ई के पिलाना स्वामी, उन्होंने इनोग्रेट किया है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया है? ये किया गया है आपके सलेम, सलेम जो कि आपका तमिलनाडु में है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनोग्रेटेड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, जो कि हम लोग पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं, एंड लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सपोर्ट इन इनक्लेव इन। तो नरेंद्र आपके रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, एंड एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का। तो ये कहाँ पे रखा गया है? ये कहा क्या गया है? अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर द 36th प्रगति मीटिंग, 36th प्रगति मीटिंग रिसेंटली। व्हाट डज प्रगति स्टैंड फॉर? तो नरेंद्र मोदी हाल ही में जो है उन्होंने 36th प्रगति मीटिंग जो हुआ था उनको जो है चेयर किया था, मतलब उन्होंने उनका हेड किया, उन्होंने उनका नेतृत्व किया था। तो प्रगति में जो है आई का मतलब क्या है, ठीक है, उसका मतलब है इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रगति का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है, प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आई का मतलब हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज? अच्छे, मीनिंग कौन सा कंट्री है जिन्होंने पहला होस्ट किया है ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज? तो ये है आपके हो जाएगा इंडिया, इंडिया ने जो है फर्स्ट ये होस्ट किया है, ठीक है। चाइना, चाइना का आपका करेंसी क्या है बताइए? चाइना का करेंसी है रिनमिनबी, ठीक है। रशिया का क्या है? रशिया का हो जाएगा रूबेल। इंडिया का रुपीस, ब्राजील का ब्राजीलियन रियल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ विच बैंक हैज आईआईटी मद्रास डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेल ऐप साइंड अ पैक्ट टू डिजिटाइज मिल्क प्रोक्योरमेंट? तो कौन सा बैंक है जिन्होंने आईआईटी मद्रास का एक डेयरी टेक स्टार्टअप ऐप है जिसका नाम है स्टेल ऐप, जिसके साथ एक टाई अप, एक आपका टाई अप किया गया है जिसके तहत जो मिल्क प्रोक्योरमेंट होगा, मिल्क का जो वसूली होगा, जो मतलब आपके जो जहाँ पे भी गाय वगैरह जो रखे जाते हैं वो किया जाएगा, ठीक है, डिजिटाइज तरीके से किया जाएगा, सारा रिकॉर्ड उसमें रखा जाएगा। ये है आपका आईपीपीबी, जिसको कि जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है ये डिजिटल पैक साइन किया गया है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गला सूख गया है। यूनियन फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह अनाउंस दैट गोवा विल बी डेवलप्ड इनटू द फर्स्ट फिशरीज हब ऑफ द कंट्री एंड दैट सेंटर इज इन्वेस्टिंग डैश इन द प्रोजेक्ट। तो यूनियन फिशरीज मिनिस्टर है, क्या है उनका नाम? गिरिराज सिंह, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। अनाउंस दैट गोवा विल बी, जो गोवा होगा वो पहला ऐसा जो है हमारे कंट्री का ऐसा स्टेट होगा जो कि फिशरीज हब बनेगा, ठीक है, जिसके लिए जो है इंडिया जो कितने करोड़ रुपए जो है सेंटर जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे आपके 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ रुपीज जो है इसके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। Recently, Exim Bank has extended a dash loan to Mauritius on behalf of India for defense-related procurement. तो इंडिया के मतलब इंडिया के तरफ से जो है Exim Bank ने कितने पैसे जो है लोन दिए हैं मॉरिशियस को ताकि वो डिफेंस रिलेटेड जो सामान है वो खरीद सके। ये है आपके USD 100 million जो है जो दिया गया है लोन Exim Bank की तरफ से, ठीक है। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एडीबी कहते हैं, इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका वोचोंग आम, ठीक है, वोचोंग आम इनको नियुक्त किया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपका मैंडिल्यूंग फिलीपींस, ठीक है, मैंडिल्यूंग एक स्टेट है फिलीपींस का, वहीं पे ये है। जापान मिनिस्टर योशिहिदे सुगा जापान का जो है प्राइम मिनिस्टर हैज अपॉइंटेड टेत्सुशी साकामोटो एज द मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस आफ्टर सुसाइड रेट्स इंक्रीज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन डैश ईयर।
मतलब कितने साल, मतलब पिछले कुछ सालों में जो है देखा गया है, जो सुसाइड रेट है जापान में वो इंक्रीज हुआ है, जिसके लिए जापान के जो मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, उन्होंने टेत्सुशी साकामोटो को एज ए मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, मतलब मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस जो है उनको मिनिस्टर बनाया है। तो ये कितने साल से पिछले देखा गया है कि जो सुसाइड रेट है उसमें इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है आपका 11 साल, पिछले 11 साल पे देखा गया है जापान में सुसाइड रेट जो है बहुत इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर द डैश एडिशन ऑफ द विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल अंडर खेलो इंडिया विल बिगन एट गुलमर्ग इन कश्मीर, बोल रहा है क्या कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है खेलो इंडिया के तहत जो है विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू किया गया है। ठीक है, ये कौन सा एडिशन है, मतलब कितने बार ये खेल महोत्सव है, ये है आपका सेकेंड, ये दूसरा बार जो है हो रहा है। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री विच मिनिस्ट्री फॉर डाटा एक्सचेंज। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, इनके कौन से मिनिस्ट्री के साथ, ये किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, किसके लिए किया है, डेटा एक्सचेंज होगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उनके पास जो डेटा रहेगा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ले सकता है, और उनके पास जो डेटा रहेगा वो कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ले सकता है। ठीक है, इसके लिए ये एक डील साइन किया गया है। अमेजोन इंडिया एंड डैश हैव एंटर्ड अ पार्टनरशिप फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, तो अमेजोन इंडिया जो है उन्होंने इनके साथ एक पार्टनरशिप साइन किया है ताकि वो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स बना सके और लास्ट माइल डिलीवरी, ये लास्ट माइल डिलीवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, चलो मैं आपको आज बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये है आपका महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ अमेजोन इंडिया ने एक डील साइन किया है। ठीक है, तो चलो ये लास्ट माइल डिलीवरी क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि आप हाईवे पे, मतलब जैसे आपका घर जो है, जो हाईवे है, ठीक है, हाईवे जैसे मान लो ये मेन रोड है, ठीक है, ये हाईवे है और आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और ये आपका रोड एक गली आया है आपके घर तक। ठीक है, तो ये हाईवे तक तो मान लीजिए बस और मान लीजिए आप ट्रक ये सब आ सकता है, बट ये गली में जो है आपका ट्रक या बस नहीं आएगा, तो आपको तो घर तक पहुंचना है और ये डिस्टेंस मान लीजिए कि 500 मीटर है, तो इतना तो पैदल आपको चलना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक थ्री व्हीलर डिज़ाइन कर रहा है जो कि आपके पतले जो संकरी रोड्स होते हैं गली वगैरह उसमें भी घुस सकते हैं और आप अपने घर तक एकदम पहुंच सकते हैं, मतलब आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसको कहते हैं जो है लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। तो आप एकदम घर तक ऐसे थ्री व्हीलर डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो पतले रास्ते गली में घुस सकते हैं और आपको अपने घर तक, आपके डेस्टिनेशन जो भी है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो है साइन किया गया है महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ, किसने किया है, अमेजोन इंडिया ने। इन ऑर्डर टू शोकेस द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर एट नेशनल लेवल एंड टू द ग्लोबल कम्युनिटी द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया विल ऑर्गेनाइज फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड मार्च, फर्स्ट टू थर्ड मार्च, व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर। तो जो बायो आपका लेवल एंड द ग्लोबल कम्युनिटी एंड द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फर्स्ट टू थर्ड मार्च। ठीक है, उसका थीम क्या रखा गया है, उसका थीम रखा गया है आपका ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स एंड टैग लाइन बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी। ठीक है, टैग लाइन, तो ये जो है उनका थीम रखा गया है। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। होशंगाबाद सिटी इन मध्य प्रदेश, ठीक है, होशंगाबाद सिटी ये देखिए, ठीक है, इज प्लान टू बी रीनेम्ड एज ए, तो होशंगाबाद सिटी का नाम जो है बदलने की तैयारी चल रही है, तो इसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा, उनका नाम बदल के रखा जाएगा आपका नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम रखने का प्लानिंग जो है एक योजना चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सीरीज हैज़ ओन द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में कौन से वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज का खिताब मिला है, ये मिला है आपका स्कैम। ठीक है, स्कैम 1992 जो कि हर्षद मेहता के ऊपर बनाया गया था,
उसको मिला है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो एक बार जरूर देखिए, बहुत अच्छा वेब सीरीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में कौन से फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ये मिला है आपका, सॉरी बैक चला गया है, ये मिला है आपका तानाजी द अनसंग वॉरियर, ठीक है, इनको जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेम द एक्ट्रेस हु हैज ओन द बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फीमेल कैटेगरी में? ये मिला है आपका दीपिका पादुकोण, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द एडिशन ऑफ हुनर हाट इन न्यू दिल्ली। तो हुनर हाट जो कि एक आपका एक प्रोग्राम है जिसको कि लॉन्च जिसको कि इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये कौन सा एडिशन है? ये है आपका 26वां एडिशन, 26th एडिशन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फिल्म हैज़ ओन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 2021 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा फिल्म को जो है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? ये मिला है आपका पैरासाइट को। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू रो सोलो अक्रॉस एन ओशन रिसेंटली। तो कौन सा वुमेन है जो कि यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने कि अकेले जो है पूरे एक ओशन को जो है पार किया है तैर के? ये किया है आपके, चल गया है, ये किया है आपके जैस्मिन हैरिसन, ठीक है। जैस्मिन हैरिसन ने ये कारनामा करके दिखाया है। RBI has brought State Bank of Sikkim SBS under its regulatory peer review, which means that bank will now be regulated by RBI. In which year was the SBS established? तो SBI जो State Bank of Sikkim है इसको RBI ने अपने रेगुलेटरी में ले लिया है ताकि वो उस पर पूरा नज़र रखेगा, ठीक है। तो ये State Bank of Sikkim इसका establishment कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1968। विच पंजाबी सिंगर रैपर वॉज रिसेंटली रोप्ड बाई RBI फॉर इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो RBI ने अपने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के लिए कौन से पंजाबी सिंगर रैपर को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया है? ये किया है आपके वायरस, ठीक है, वायरस को जो है अपॉइंट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बैक चला जा रहा है। अच्छा, विच कंट्री हैज लॉन्च अ कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम विच अलाउज पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड टू एक्सेस पब्लिक फैसिलिटीज दैट वुड अदरवाइज बी ऑफ लिमिट्स। बोल रहा है कौन सा कंट्री जिन्होंने कि ग्रीन पास एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसके तहत जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लिया है उनको जो है पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, अदरवाइज जो बाकी लोग हैं वो नहीं ले सकते। ये किया गया है इसराइल के द्वारा, ठीक है, इसराइल के द्वारा ये सिस्टम ग्रीन पास चालू किया गया है। अच्छा, जापान के कैपिटल क्या है? टोक्यो, ठीक है। इसराइल का कैपिटल जेरूसलम। यूएई का कैपिटल क्या होगा? यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। और ईरान का कैपिटल तेहरान। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। विच बैंक हैज अवार्डेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्स द 29th ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड। तो कौन सा बैंक है जिसको कि ह्यूमन रिसोर्स एट 29th ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड मिला है अपने सबसे बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए? ये मिला है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जो है ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। मेरे द्वारा कोशिश किया है मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाने का। अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या गलती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और उसको सुधार सकूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।